द हंगरी स्टोन्स इन बेंगोली शुदा पाषाण इज अ बेंगोली शॉर्ट स्टोरी रिटर्न बाय रवीन्द्र नाथ टुगोर इन अठारह सौ पचानवे कहानी एक टैक्स कलेक्टर श्री जुत के बारे में है जिसे एक छोटे से शहर में भेजा जाता है और एक भूतपूर्व महल में रहता है जिसे माना जाता है की वह प्रेतवादित है हर रात वह मुगल काल और सुंदर भारतीय महिला से महल के निवासियों की आत्माओं से अधिक भस्म हो जाता है टैगोर को यह कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया गया था जब वह शाहजहां के मोती शाही महल के शाही बाग अहमदाबाद गुजरात में रुके थे साबरमती नदी के पास स्थित था कहानी में यह सुस्ता नदी बन गई थी लेट्स लिसन टू द कम्प्लीट स्टोरी द हंग्री स्टोन्स जब मैं एक ट्रेन में उस आदमी से मिला तो मेरे परिजन और मैं अपनी पूजा यात्रा से कलकत्ता लौट रहे थे उनकी ड्रेस और बेरिंग से हम उन्हें एक अप कंट्री माहू के लिए ले गए लेकिन उनकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए उन्होंने सभी विषयों पर इतने आत्मविश्वास के साथ हतोत्साहित किया कि आप सोच सकते हैं कि सभी चीज़ों के डिस्पोजर ने हर समय उनसे परामर्श किया हम अथरो पूरी तरह से खुश थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि गुप्त और अनसुनीता अगते काम पर थीं, कि रूसी हमारे करीब थे कि अंग्रेजी में गहरी और गुप्त नीतियाँ थीं, देशी मुखियों के बीच भ्रम की स्थिति आ गई थी एक सिर लेकिन हमारे नव उपार्जित दोस्त ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा स्वर्ग और पृथ्वी में अधिक चीजें होती हैं हो आपके अखबारों में बताई गई हैं जैसा कि हमने पहले कभी अपने घरों से बाहर नहीं हिलाया था आदमी के अवगुण ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया विषय कभी इतना तुच्छ हो वह विज्ञान का उद्धरण देगा या वेदों पर टिप्पणी करेगा या कुछ फारसी कवि से यात्राएं दोहराएगा और जैसा कि हमारे पास विज्ञान या वेदों या फारसी के ज्ञान का कोई ढोंग नहीं था उसके लिए हमारी प्रशंसा बढ़ती चली गई और मेरे परिजन एक थियोसोफिस्ट दृढ़ता से आश्वस्त थे कि हमारे साथी यात्री को कुछ अजीब चुंबकत्व से प्रेरणा मिली होगी या मनोगत शक्ति एक सूक्ष्म शरीर या उस तरह की चीज से उन्होंने यह कहते हुए त्रिकाल श्रवण किया कि हमारे असाधारण साथी के होंठ भक्तिपूर्ण उत्साह के साथ गिर गए और चुपके से उनकी बातचीत के नोट्स नीचे ले गए मैं कल्पना करता हूँ कि असाधारण व्यक्ति ने इसे देखा था और इसके साथ थोड़ा प्रसन्न था जब ट्रेन जंक्शन पर पहुंची, तो हम कनेक्शन के लिए प्रतीक्षालय में इकट्ठे हुए यह तब 10 बजे था और ट्रेन के रूप में हमने सुना बहुत देर होने की संभावना थी लाइनों में कुछ गलत होने के कारण मैंने टेबल पर अपना बिस्तर फैला दिया और एक आरामदायक डोज के लिए लेट होने वाला था जब असाधारण व्यक्ति ने जानबूझकर निम्नलिखित सूत कताई के बारे में निर्धारित किया है बेशक मुझे उस रात नींद नहीं मिली जब प्रशासनिक नीति के कुछ प्रश्नों के बारे में असहमति के कारण मैंने अपना पद जूनागढ़ में फेंक दिया और जलिया के निजाम की सेवा में प्रवेश किया उन्होंने मुझे एक बार में नियुक्त किया एक मजबूत युवक के रूप में बरज में कपास कर्तव्यों का संग्रह करता बारिश एक प्यारी जगह है सुस्ता कंकड़ पर कंकड़ और बबल्स पर बातें करती है ट्रिपिंग एक कुशल नृत्य करने वाली लड़की की तरह अकेली पहाड़ियों के नीचे जंगल में एक कदम की उड़ान नदी से निकलती है और उस उड़ान के ऊपर नदी के किनारे और पहाड़ियों के तल पर एक एकांत संगमरमर का महल है इसके आसपास आदमी का बसेरा नहीं है गांव और बरीच के कपास मार्च से बहुत दूर है लगभग 250 साल पहले सम्राट महमूद शाह ने दो अपने सुख और विलासता के लिए सकेले महल का निर्माण किया था अपने दिनों में जेट वाटर के फव्वारे उसके फव्वारों से छिटक जाते थे और उसके स्प्रे वाले ठंडे कमरों के ठंडे संगमरमर के फर्श पर फारसी के युवा युवा बैठते थे स्नान से पहले उनके बाल उखड़ जाते थे और उनके नरम नग्न पैरों को साफ पानी में बहा दिया जाता था जलाशय गिटार की धुन पर गाते थे उनकी बेलों की गजलें। फे अब नहीं खेलते हैं गाने बंद हो गए हैं अब बर्फीले संग मरमर पर बर्फ सफेद पैर इनायत नहीं करते यह हमारे जैसे उपकलेक्टरों का विशाल और एकांत क्वार्टर है पुरुष एकांत के साथ अत्याचार करते हैं और महिलाओं के समाज से वंचित हैं। अब मेरे कार्यालय के पुराने क्लाक करीम खान ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं वहां अपना निवास नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहे तो दिन गुजारें, उसने कहा लेकिन रात कभी नहीं रुकना मैंने हल्की हंसी के साथ इसे पास किया नौकरों ने कहा कि वे अंधेरे तक काम करेंगे और रात को चले जाएंगे। मैंने अपनी तैयार स्वीकृति दे दी घर का इतना बुरा नाम था कि अंधेरे के बाद भी चोर उसके पास नहीं जाते थे पहले निर्जन महल के एकांत एक में मुझे एक दुस्वप्न की तरह तोला जाता था मैं बाहर रहूंगा और जब तक संभव हो तब तक कड़ी मेहनत करूंगा, फिर रात को घर पर वापस जाऊंगा और थक कर सो जाऊंगा और सो जाऊंगा एक सप्ताह बीतने से पहले यह जगह मुझ पर एक अजीब आकर्षण पैदा करने लगी लोगों को विश्वास करने के लिए वर्णन करना या प्रेरित करना मुश्किल है लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा घर एक जीवित जीव की तरह धीरे धीरे और अपूर्ण रूप से मुझे कुछ जठराग्नि रस की क्रिया द्वारा पचा रहा है शायद जैसे ही मैंने घर में अपना पैर रखा वैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी लेकिन मुझे उस दिन की याद है जिस दिन मैं पहली बार इसके प्रति सचेत था यह गर्मियों की शुरुआत थी और बाजार सुस्त होने के कारण मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था सूर्यास्त से थोड़ा पहले मैं पानी के किनारे के पास एक कुर्सी कुर्सी पर कदमों के नीचे बैठा था सुस्ता से कुड़कर कम हो गई थी दूसरी ओर रेत का एक व्यापक पैच शाम के रंग के साथ चमकता था इस ओर स्पष्ट उथले पानी के तल पर कंकर चमक रहे थे कहीं भी हवा की एक सांस नहीं थी और अभी भी हवा बंद पहाड़ियों पर बढ़ रही मसालेदार झाड़ियों से एक दम नकारी गंध से भरी हुई थी जैसे जैसे सूरज पहाड़ी की चोटी के पीछे डूबता गया एक गहरा काला पर्दा दिन के चरण में गिरता गया और बीच की पहाड़ियों ने उस समय को कम कर दिया जिसमें सूर्यास्त के समय प्रकाश और छाया की चमक कम होती थी मैं एक सवारी के लिए बाहर जाने के बारे में सोचता था और जब मैं पीछे कदमों पर एक फुटफॉल सुनता था तो वह उठने वाला था मैंने पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था जैसा कि मैं फिर से बैठ गया यह एक भ्रम होने के रूप में सोच रहा था मैंने कई चरणों को सुना जैसे कि बड़ी संख्या में लोग कदम नीचे कर रहे थे खुशी का एक अजीब सा रोमांच थोड़ा डर के मारे अपने फ्रेम से गुजरा और हालांकि मेरी आंखों के सामने कोई आकृति नहीं थी मैंने देखा कि उस गर्मी की शाम में सुस्ता में स्नान करने के लिए हर्षित युवतियों की एक बीवी आ रही थी घाटी में नदी में या महल में खामोशी तोड़ने के लिए कोई आवाज नहीं थी लेकिन मैंने एक सौ में एक झरने की तरह घूमते हुए एक समलैंगिक के गुरल की तरह पहले से ही दासी के समलैंगिक और मृदुल हसी को सुना मेरे पीछे एक दूसरे की त्वरित चंचल खोज में नदी की ओर मुझे बिल्कुल भी देखे बिना चूंकि वे मेरे लिए अदृश्य थे इसलिए मैं जैसा था वैसा ही उनके लिए अदृश्य था नदी पूरी तरह से शांत थी लेकिन मैंने महसूस किया कि इसके अभी भी उथले और साफ पानी को अचानक हाथ से छलनी से कई हाथ हिलाया जाता है कंगन के साथ लड़कियों को हंसाया और एक दूसरे पर पानी डाला और छीट कि की पैर निष्पक्ष तैराकों ने मोती की वर्षा में छोटी तरंगों को उछाला मुझे अपने दिल में एक रोमांच महसूस हुआ मैं यह नहीं कह सकता कि उत्तेजना खुशी या जिज्ञासा के कारण थी मुझे उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने की तीव्र इच्छा थी लेकिन मेरे सामने शून्य दिखाई दे रहा था मुझे लगा कि मैं वह सब झेल सकता हूँ अगर उन्होंने कहा कि मैं केवल अपने कानों को दबाऊ लेकिन फिर भी मुश्किल से मैंने उन्हें टटोला मैंने कुछ नहीं सुना लेकिन जंगल में सिस्कियों की चहक रही थी ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने 250 साल का एक काला पर्दा लटका हुआ है और मैं उसके एक कोने को कम्पकम्पी से सहलाऊंगा और सहलाऊंगा हालांकि दूसरी तरफ की विधानसभा पूरी तरह से अंधेरे में ढकी हुई थी शाम की दमनकारी पराकाष्ठा हवा के एक झोंके से टूट गई थी और सुइस्ता की सतह भी, भी उठी हुई थी और एक अप्सरा के बालों की तरह घुसी हुई थी और शाम को घने जंगल में लिपटे हुए लकड़ियों से एक साथ एक बड़बड़ाहट हुई वे एक काले सपने से जागे थे इसे वास्तविकता कहें या स्वप्न उस अदृश्य मृग तृष्णा की क्षणिक झलक जो एक दूर की दुनिया से परिलक्षित होती है 250 साल पुरानी है एक फ्लैश में गायब हो गई रहस्यवादी रूपों ने मुझे अपने त्वरित निष्पक्ष कदमों से अतीत में धकेल दिया और जोर से ध्वनिहीन हँसी और खुद को नदी में फेंक दिया अपने टपकते हुए लोटे हुए हाथों को छोड़ते हुए वापस नहीं गए जैसे सुगंध हवा से दूर हो जाती है वे वसंत की एक ही सांस द्वारा छितरी हुई होती हैं। तब मैं एक भयावह भय से भर गया था कि यह एक ऐसा संग्रहालय था जिसने मेरे एकांत का लाभ उठाया था और मेरे पास चुड़ैल जाहिर तौर पर एक गरीब शैतान को बर्बाद करने के लिए आए थे जैसे कि अपने आप को कपास के कर्तव्यों को इकट्ठा करके एक जीवित बना रहे थे मैंने एक अच्छा रात्रि भोज करने का फैसला किया यह खाली पेट है कि सभी प्रकार के असाध्य रोगों का एक आसान शिकार है मैंने अपने रसोई के लिए भेजा और एक समृद्ध शानदार मोगलाई रात के खाने के लिए आदेश दिए मसालों और घी का फिर से उपयोग किया अगली सुबह पूरा मामला एक काल्पनिक कल्पना के रूप में सामने आया एक हल्के दिल के साथ मैंने साहिब की तरह एक सोल टोपी लगाई और अपने काम पर निकल गया मुझे उस दिन अपनी तिमाही रिपोर्ट लिखनी थी और देर से लौटने की उम्मीद थी लेकिन इससे पहले कि यह अंधेरा था मैं अजीब तरह से अपने घर के लिए तैयार था जो मैं नहीं कह सकता था मुझे लगा कि वे सभी इंतजार कर रहे थे और मुझे अब और देरी नहीं करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट को अधूरा छोड़कर मैं उठा अपनी सोल की टोपी लगाई और अपनी गाड़ी की खड़खड़ाहट के साथ अंधेरे छायादार उजाड़ रास्ते को शुरू करते हुए मैं पहाड़ियों की उदास झालरों पर खड़े विशाल खामोश महल में पहुंच गया पहली मंजिल पर सीढ़ियां एक बहुत विशाल हॉल की ओर ले जाती हैं इसकी छत सजावटी स्तंभों पर फैली हुई है जो बड़े खम्बे की तीन पंक्तियों में आराम करती है और दिन और रात अपने गहने कांत के भार के तहत कराहती है दिन बस बंद हो गया था और दीपक अभी तक प्रकाश नहीं हुआ था जैसा कि मैंने दरवाजे को धक्का दिया एक बड़ी हलचल को भीतर का लग रहा था जैसे कि लोगों का एक रोमांच भ्रम में टूट गया था और दरवाजे और खिड़कियों और गलियारों और बरामदों और कमरों के माध्यम से बाहर निकल गए ताकि इसकी जल्दबाजी से बचा जा सके जैसा कि मैंने किसी को भी नहीं देखा था कि मैं हतप्रभ था मेरे बाल एक प्रकार के उल्लासपूर्ण आनंद में थे और अतार की एक भयावह गंध और नासमझी के कारण मेरी नाक के छिद्रों में लगभग प्रभावित था उन प्राचीन स्तंभों की पंक्तियों के बीच उस विशाल उजाड़ हॉल के अंधेरे में खड़े होकर मैं संगमरमर के फर्श पर फवारे के फवारे सुन सकता था गिटार पर एक अजीब धुन आभूषणों की झंकार और पायल की झंकार घंटियों को टटोलते हुए नहाबत का दूर का नोट झूमर के क्रिस्टल पेन की हवा हवा के झोंके गलियारों में पिंजरों से बुलबुल -बुल का गीत बगीचों में लकड़ियों के ढेर सभी ने मुझे एक अजीब तरह से पता लगाया संगीत फिर मैं ऐसे मंत्र के तहत आया कि यह मूर्त दुर्गम अस्पष्ट दृष्टि दुनिया में एकमात्र वास्तविकता थी डैश और बाकी सब केवल एक सपना था यह कहना है कि श्री जुत्सो और तो धन्य स्मृति के सबसे बड़े बेटे श्री जेठ सोरू का मासिक वेतन रू कपास के कर्तव्यों के कलेक्टर के रूप में मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के द्वारा चार सौ पचास और एक छोटे कोट और सोआ टोपी में हर दिन मेरे कार्यालय के लिए मेरे डॉग कार्ड में ड्राइविंग मुझे एक आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक भ्रम प्रतीत होता है कि मैं एक घोड़े में फट गया हसी जैसा कि मैं उस विशाल मुख हॉल की निराशा में खड़ा था उस समय मेरे नौकर ने अपने हाथ में एक मिट्टी के तेल का दीपक लेकर प्रवेश किया मुझे नहीं पता कि उसने मुझे पागल समझा है लेकिन यह मेरे पास एक बार में आया था कि मैं श्री जुतसोसो के बेटे के रूप में बहुत से और धन स्मृति का पुत्र था और वह जबकि हमारे कवि महान और छोटा अकेला यह कह सकता है कि क्या पृथ्वी के अंदर या बाहर एक ऐसा क्षेत्र था जहां अनदेखी फवारे सदा बजाए जाते थे और परी गिटार अदृश्य उंगलियों से मारा जाता था एक शाश्वत सद्भाव को आगे बढ़ाया यह किसी भी दर पर निश्चित था कि मैंने कर्तव्यों का संग्रह किया बंश पर कपास बाजार और वहाँ रू मेरे वेतन के रूप में चार सौ पचास प्रति मैन सिम मैं अपने जिज्ञासु भ्रम पर बहुत उल्लास में हंसा जैसा कि मैं अपने कैंप टेबल पर अखबार पर बैठा था मिट्टी के दीपक से रोशन जब मैंने अपना पेपर खत्म कर लिया और अपना मोगलाई खाना खाया मैंने दीपक को बाहर कर दिया और एक छोटे से कमरे में अपने बिस्तर पर लेट गया खुली खिड़की के माध्यम से अवधि पहाड़ियों के ऊपर एक दीप सितारा जो उनकी लकड़ियों के अंधेरे से घिरा हुआ था मिस्टर कलेक्टर के आसमान में लाखों करोड़ों मील दूर एक विनम्र शिविरया पर लेटा हुआ था मैं आश्चर्यचकित था और विचार पर चकित हो गया और न जाने कब सो गया या मैं कब तक सोता रहा लेकिन मैं अचानक एक शुरुआत के साथ जाग गया हालांकि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी और कोई घुसपैठिया नहीं देखा हिलटॉप पर केवल स्थिर उज्जवल सितारा सेट किया था और अमावस्या की मन रोशनी चुपके से खुली खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश कर रही थी जैसे कि शर्म आ रही हो इसके घुसपैठ के मैंने किसी को नहीं देखा लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धीरे से धक्का दे रहा है जैसा कि मैंने उसे जगाया उसने एक शब्द नहीं कहा लेकिन मुझे उसकी पांच उंगलियों के साथ बेहोश किया उसे सावधानी से पालन करने के लिए छल्ले के साथ बेडकॉक किया मैं निरवता से उठा और हालांकि एक आत्मा अपने आप को नहीं बचाती थी उस सुनसान महल के अनगिनत अपार्टमेंट्स में अपनी थिरकती आवाज और प्रतीक्षा गूंज के साथ मुझे डर था कि हर कदम पर किसी को भी जागना चाहिए महल के अधिकांश कमरे हमेशा बंद रखे जाते थे और मैं कभी भी उनमें प्रवेश नहीं करता था मैंने बेदम और चुप कदमों के साथ मेरे अदृश्य गाय का अनुसरण किया मैं अब यह नहीं कह सकता कि कहाँ है क्या अंत हीन धेरे और संकीर्ण मार्ग क्या लंबे गलियारे क्या मूक और गंभीर दर्शक कक्ष और करीबी गुप्त कोशिकाएं जिन्हें मैंने पार किया यद्यपि मैं अपने निष्पक्ष मार्गदर्शक को नहीं देख सकता था उसका रूप मेरे दिमाग की आंख के लिए अदृश्य नहीं था एक अरब लड़की उसकी बाहें संगमरमर की तरह सख्त और चिकनी उसकी ढीली आस्तीन के माध्यम से दिखाई दे रही है एक पतली घूंघट से उसके चेहरे पर गिर रहा है उसकी टोपी और उसकी कमर पर एक घुमावदार खंजर सोचा था कि एक हजार और एक अरेबियन नाइट्स मुझे रोमांस की दुनिया से विदा कर दिया गया था और रात के मृतक में मैं बगदाद को बर्बाद करने के अंधेरे संकीर्ण गलियों के माध्यम से अपना रास्ता भटक रहा था अंत में मेरी नीली गहरे नीले पर्दे से पहले अचानक रुक गई और नीचे कुछ इशारा करने लगी वहाँ कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक मेरे दिल में खून जम गया मैंने देखा कि स्क्रीन के पैर में फर्श पर एक भयानक निग्रो हिरन कपड़े पहने हुए अमीर ब्रुकेड बैठे हुए और बाहरी पैरों के साथ एक नग्न तलवार के साथ दर्जनों उसकी गोद मेरे निष्पक्ष मार्गदर्शक ने अपने पैरों पर हल्के से फंसाया और स्क्रीन के एक फ्रिंज को पकड़ लिया मैं फारसी कालीन से फैले कमरे के एक हिस्से की एक झलक देख सकता था कोई एक बिस्तर पर अंदर बैठा था डैश मैं उसे नहीं देख सकता था लेकिन केवल सोने की कढ़ाई वाली चप्पल में दो उत्तम पैरों की एक झलक पकड़ी जिससे बाहर लटक रहा था ढीले के सरिया रंग के पायजामे और नारंगी रंग के मखमली कालीन पर आलस्यपूर्ण तरीके से रखा गया एक तरफ एक नीले रंग का क्रिस्टल थ्रे था जिस पर कुछ सेब नाशपाती संतरे और अंगूर के गुच्छे काफी मात्रा में थे दो छोटे का पौर एक सोने का रंगा हुआ जिकम पर स्पष्ट रूप से अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे एक सुगंधित नशीला वाष्प एक अजीब तरह की धूप से जारी जो भी तरजल गया लगभग मेरी इंद्रियों पर हावी हो गया थरथराते दिल के साथ जैसे ही मैंने यमदूत के बाहरी पैरों को पार करने का प्रयास किया वह अचानक एक शुरुआत के साथ उठा और संगमरमर के फर्श पर एक तेज झुरमुट के साथ तलवार उसकी गोद से गिर गई। एक भयानक चीख ने मुझे छलांग लगाई और मैंने देखा कि मैं उस कैंप बेडस्टेड पर बैठा था जिसमें मुझे बहुत पसीना आ रहा था और अर्धचंद्राकार सुबह की रोशनी में भयंकर नींद से बेहाल रोगी की तरह पीला दिख रहा था और हमारे दीवाने अली रो रहे थे जैसा कि उनका दैनिक रिवाज है स्टैंड बैक स्टैंड बैक जब वह केला सड़क पर गया ऐसा मेरे अरब नाइट्स में से एक के करीब था लेकिन अभी एक हजार रातें बाकी थीं। फिर मेरे दिनों और रातों के बीच एक महान कलह हुई दिन के दौरान मैं घिसाई हुई रात और उसके खाली सपनों को कोसते हुए अपने काम पर जाऊंगा और थक जाऊंगा लेकिन जैसे ही रात अपने बंधन के साथ मेरे दैनिक जीवन में आई और काम के झटके एक छोटे झूठे भद्दे घमंड में दिखाई देंगे नाइटफॉल के बाद मैं पकड़ा गया और एक अजीब नशा के जाल में डूब गया फिर मैं अलिखित इतिहास में अपना हिस्सा निभाते हुए एक अज्ञात उम्र के किसी अज्ञात व्यक्ति में परिवर्तित हो जाऊंगा और मेरे छोटे अंग्रेजी कोट और तंग जांघिया मुझे कम से कम में सूट नहीं करते थे मेरे सिर पर लाल मखमली टोपी ढीले पजामा एक कढ़ाई दार बनियान एक लंबा बहता हुआ रेशम का गाउन और रंगीन रूमालतर के साथ सुगंधित मैं अपने विस्तृत शौचालय को पूरा करूंगा। एक उच्च गद्दीदार कुर्सी पर बैठूंगा और अपनी सिगरेट को एक के साथ बदल दूंगा कई कुंडलित नरगिले गुलाब जल से भरे हुए मानो प्रियतम के साथ एक अजीब मुलाकात की उत्सुकता से मेरे पास अपने आप को उजागर करने वाली अद्भुत घटनाओं का वर्णन करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि रात की निराशा गहरा गई थी मुझे लगा जैसे उस विशाल शोभा के उत्सुक अपार्टमेंट में एक खूबसूरत कहानी के टुकड़े हैं जिसका मैं कुछ दूरी तक पालन कर सकता हूँ लेकिन जिनमें से मैं कभी अंत नहीं देख सकता था अचानक हवा के झोंके में उड़ गया और वही सब मैं रात भर उनकी खोज में कमरे से कमरे तक भटकता रहता इन स्वप्न खंडो के संपादन के बीच महदी की महक और गिटार की चहचहाहट के बीच सुगंधित स्प्रे के साथ चार्ज की गई हवा की लहरों के बीच मैं एक निष्पक्ष डैमेल की क्षणिक झलक को बिजली की चमक की तरह पकड़ लेता वह वह थी जिसके पास केसरिया रंग की पजामा घुमावदार पैर की उंगलियों के साथ सोने की कढ़ाई वाली चप्पलों में सफेद सुर्ख मुलायम पैर सोने के साथ गढ़ा हुआ चोली लाल टोपी थी जिससे उसकी बर्फ फीली भौन और गालों पर एक सुनहरा फिल गिर गया था उसने मुझे पागल कर दिया था उसकी खोज में मैं कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहा रास्ते से लेकर नींद की नटखट दुनिया के मुग्ध सपनों की दुनिया में गलियों की भयावह भूल के बीच कभी कभी शाम के समय बड़े शीशे के सामने रक्तशाही के एक राजकुमार के रूप में खुद को ध्यान से देखते हुए दोनों तरफ एक मोमबत्ती जलने के साथ मुझे अपने आप से फारसी सुंदरता का अचानक प्रतिबिंब दिखाई देगा उसकी गर्दन का एक तेज मोड़ उसकी बड़ी गहरी आंखों में चमकती आवेश और दर्द की एक तेज उत्सुक झलक उसके लाल लाल होठों पर भाषण का एक संदेह उसका फिगर गोरा और पतला एक खिलखिलाता लता जैसे युवाओं के साथ ताज पहनाया जल्दी से उत्थान उसकी सुंदर झुकी हुई चाल में दर्द और तृष्णा और परमानंद की एक चमकदार चमक एक मुस्कान और एक नजर और गहने और रेशम की एक झलक और वह पिघल गई। पहाड़ियों और लकड़ियों की खुशबू से सराबोर हवा का एक जंगली झोंका मेरी रोशनी को बाहर निकाल देगा और मैं अपनी ड्रेस को एक तरफ करके अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा मेरी आंखें बंद हो गई और मेरा शरीर खुशी से खिल उठा और मेरे चारों ओर हवा में सभी जंगल और पहाड़ियों के तर के बीच मुँह को दासी कई एक दुलार और कई एक चुंबन और हाथ के कई एक निविदा स्पर्श और मेरे कान में कोमल और मेरी भौन पर सुगंधित सांस के माध्यम से जारी या एक प्यारी सी सुगंधित केरचप को बार बार मेरे गालों पर लगाया जाता था फिर धीरे धीरे एक रहस्यमय नाग ने मेरे बारे में अपनी मूर्खतापूर्ण कुंडलियों को मोड़ दिया और एक भारी आह भरते हुए मैं असंवेदनशीलता में चूक जाता और फिर एक गहरी नींद में एक शाम मैंने अपने घोड़े पर जाने का फैसला किया मुझे नहीं पता कि मुझे रुकने के लिए किसने बुलाया था लेकिन मैं उस दिन कोई भी बात नहीं सुनूंगा मेरी अंग्रेजी टोपी और कोट एक रैक पर आराम कर रहे थे और मैं उन्हें नीचे ले जाने वाला था जब अचानक बवंडर हुआ सुस्ता की रेत और अवल्ली पहाड़ियों की मृत पत्तियों के साथ उखड़ गई उन्हें पकड़ लिया और गोल गोल चक्कर लगा दिया जबकि मीरा की हंसी का एक जोरदार ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठता है जब तक सूर्यास्त की भूमि में मृत्यु हो गई, तब तक मृग के सभी कॉर्ड्स हड़ताली मैं अपनी सवारी के लिए बाहर नहीं जा सकता था और अगले दिन मैंने अच्छे के लिए अपना क्विकर इंग्लिश कोट और टोपी त्याग दी उस दिन फिर से रात की मृत्युलोक में मैंने किसी एक के टूटे हुए दिल को तोड़ते हुए सुना जैसे कि बिस्तर से नीचे फर्श के नीचे उस विशाल महल की पथरीली नींव के नीचे एक गहरी नम कब्र की गहराई से एक आवाज रोया और मुझे उकसाया ओह मुझे बचा लो कठिन भ्रम के दरवाजों के माध्यम से तोड़ो मौत की तरह काठ और फलहीन सपने काठी पर अपनी तरफ से मुझे अपने दिल में दबाओ और पहाड़ियों और जंगल और नदी के पार सवारी करो मुझे अपने ऊपर धूप वाले कमरों की गर्म चमक के लिए ले जाओ मैं कौन हूँ ओह मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ क्या डूबती हुई सुंदरता, किस आवेशपूर्ण जुनून को मैं सपनों की इस जंगली एड़ी से किनारे तक खींच लूंगा हे प्यारे ईथर की परिकल्पना तू कहाँ से फला फूला और कबाया किस ठंड के मौसम में किस तारीख किस की के नीचे तूने जन्म लिया किस बेघर में भटकता है आपकी माँ की भुजाओं से क्या छीन लिया एक जंगली लता से खोली हुई एक कली जिसे आपने बिजली की तरह घोड़े पर चढ़ा दिया जलती हुई रेत को पार किया और किस शाही शहर के दास बाजार में ले गया और वहाँ बादशाह के किस अधिकारी ने तुझे खिलखिलाते हुए यौवन की महिमा देखकर सोने में तेरे लिए भुगतान किया तुझे एक सुनहरी पालकी में बिठाया और तुझे अपने स्वामी के सर्गियों के लिए एक भेंट के रूप में पेश किया और है उस जगह का इतिहास सरेंग का संगीत पायल की झंकार खंजर की कभी कभार की चमक और शिराज के जहर की शराब और छीटती चमक क्या अनंत भव्यता क्या अनंत सर्वस्व दास लड़कियों ने तेरा दाहिना और बायां हिस्सा चमका दिया क्योंकि हीरे उनके कंगन से उड़ गए बादशाह बादशाह भिखारी के जूते में अपने बर्फीले पैरों पर अपने घुटनों पर गिर गया और भयानक के बिसनी के बाहर मौत के दूध की तरह लग रहा था लेकिन एक परी की तरह कपड़े पहने उसके हाथ में एक नग्न तलवार के साथ खड़ा था फिर हे रेगिस्तान का फूल भव्यता के रक्त से सना हुआ चमकदार समुद्र से वह ईर्ष्या के अपने धाग के साथ इसकी चट्टानों और साजिश के किनारे पर क्रूर मौत के तट पर किसने डाली या किस अन्य भूमि में अधिक शानदार और अधिक क्रूर अचानक इस क्षण में वह पागल महर अली चिल्लाया वापस खड़े हो जाओ वापस खड़े हो जाओ सब झूठ है सब गलत है मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि यह पहले से ही हल्का था मेरी चपरासी ने आकर मुझे अपने पत्र सौंपे और रसोई ने मेरे आदेश के लिए सलाम का इंतजार किया मैंने कहा नहीं मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता उसी दिन मैंने पैकअप किया और अपने कार्यालय में चला गया पुराने करीम खान ने मुझे देख थोड़ा मुस्कुराया मुझे अटपटा लगा लेकिन कुछ नहीं बोला और अपने काम पर गिर गया जैसे जैसे शाम ढलती गई मैं बेसुध सा होता गया मुझे लगा जैसे मेरे पास रखने के लिए एक नियुक्ति है और कपास खातों की जांच का काम पूरी तरह से बेकार लग रहा था यहाँ तक कि निज़ाम के निजामत का भी कोई सानी नहीं था जो कुछ भी वर्तमान के लिए था जो कुछ भी चल रहा था और रोटी के लिए अभिनय और काम करना तुच्छ अर्थहीन और नौरव लग रहा था मैंने अपनी कलम नीचे फेंक दी अपने अंड को बंद कर दिया अपनी कार्ट में घुस गया और चला गया मैंने देखा कि यह गोधूली के समय संगमरमर के महल के द्वार पर ही रुक गया था तेज कदमों से मैं सीढ़ियों पर चढ़ गया और कमरे में घुस गया भारी सन्नाटा भीतर राज कर रहा था अंधेरे कमरे सुलगते दिख रहे थे मानो उन्होंने अपराध कर लिया हो मेरा दिल दम्भ से भरा हुआ था लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसे मैं नंगे कर सकता था या जिनसे मैं माफी मांग सकता था मैं खाली दिमाग के साथ अंधेरे कमरे के बारे में भटक गया मैंने चाहा कि मेरे पास एक गिटार था जिसे मैं अज्ञात के लिए गा सकता था हे अग्नि खराब पतंगा जिसने उड़ने के लिए व्यर्थ प्रयास किया था वह तुम्हारे पास वापस आ गया है इसे माफ कर दो लेकिन एक बार इसके पंखों को जला दो और इसे तुम्हारा उपभोग करो ज्योति अचानक मेरे माथे पर ओ वह से दो आंसू गिर गए उस दिन अवली पहाड़ियों के शीर्ष पर बादलों के काले बादल छा गए घोर जंगल और सुस्ता के भयावह पानी भयानक रहस्य में और एक अशुभ शांत प्रतीक्षा में थे अचानक भूमि पानी और आकाश कांप गया और एक जंगली टेम्परिस्ट ब्लास्ट दूर की पथरीली लकड़ियों के माध्यम से हड़बड़ाया उसके बिजली के दांतों की तरह दिखाई दे रहे थे जो एक पागल आदमी की तरह था जिसने उसकी जंजीरों को तोड़ दिया था महल के उजाड़ हॉल ने अपने दरवाजे धमाके किए और पीड़ा की कड़वाहट में विलाप किया नौकर सब दफ्तर में थे और दीपक जलाने वाला कोई नहीं था रात बादल और चांदनी रहित थी मेरे भीतर घने उदासी में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि एक महिला बिस्तर के नीचे कालीन पर अपने चेहरे पर लेटी हुई थी हताश उंगलियों के साथ अपने लंबे अव्यवस्थित बालों को जकड़े हुए और फाड़ रही थी खून उसके निष्पक्ष भौरों को चीरता जा रहा था और वह बेक कठोर कठोर मृदुल हसीह हंस रही थी अब हिंसक झगड़ालू गालियों में फूट रही थी अब उसकी चोली पर हाथ फेर रही थी और उसकी नंगी भोसड़ी से टकरा रही थी जैसे हवा खुली खिड़की से घुस रही हो और बारिश मूसधार बारिश में और उसके माध्यम से और भिगो पूरी रात या जोशीले रोने का सिलसिला नहीं थमा मैं अंधेरे में कमरे से कमरे में भटक गया साथ में दुख जब कोई नहीं था तो मैं किसको सांत्वना दे सकता था यह दुख की तीव्र पीड़ा किसकी थी इस असंगत दू घ का उदय हुआ और पागल आदमी ने पुकारा पीछे खड़े हो जाओ पीछे खड़े रहो सब झूठ है सब गलत है मैंने देखा कि दिन ढल चुका था और महारली रोने के साथ महल के चक्कर लगा रहा था अचानक यह मेरे पास आया कि शायद वह भी एक बार उस घर में रह चुका था और वह हालांकि वह पागल हो गया था वह हर दिन वहां आता था और गोल गोल घूमता था संगमरमर के दानव द्वारा डाली गई अजीब सी जादू से मोहित हो जाता था तूफान और बारिश के बावजूद मैं उसके पास गया और पूछा हो महारली क्या झूठ है उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन मुझे एक तरफ धकेल दिया और अपने उनमत रोने के साथ गोल गोल घूमने लगा जैसे एक पक्षी उड़ता हुआ सांप के जबड़े के बारे में मोहित हो जाता है और खुद को दोहराते हुए खुद को चेतावनी देने के लिए एक हताश प्रयास करता है पीछे खड़े रहो सभी वापस खड़े हो जाओ झूठा है सब झूठा है मैं एक पागल आदमी की तरह मेरे कार्यालय में बारिश की बारिश के माध्यम से भाग गया और करीम खान से पूछा मुझे सबका अर्थ बताओ मैं उस बूढ़े आदमी से जो मिला वह यह था कि एक समय में अनगिनत बगल और असंतुष्ट लालसाएं और जंगली ज्वालामुखी की लालद लपटें उस महल के भीतर व्याप्त थीं और यह कि सभी के दिल के दर्द और विस्फोट की आशा ने उसके हर पत्थर को बना दिया था प्यासे और भूखे किसी भी जीवित आदमी की तरह निगलने के लिए उत्सुक जो किसी भी जीवित व्यक्ति को दृष्टिकोण करने का मौका दे सकता है लगातार तीन रातों तक वहाँ रहने वालों में से कोई भी इन क्रूर जवानों से नहीं बच सकता महरअली को बचा सकता है जो अपने कारण की कीमत पर बच गए थे मैंने पूछा क्या मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है बूढ़े आदमी ने कहा केवल एक ही साधन है और यह बहुत मुश्किल है मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या है लेकिन पहले आपको एक युवा फ़ारसी लड़की का इतिहास सुनना चाहिए जो एक बार उस सुख गुम्बद में रहती थी एक अजनबी या इस धरती पर कभी भी ज्यादा कड़वी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम नहीं दिया गया बस क्षण कूलियों ने घोषणा की कि ट्रेन आ रही थी इतनी जल्दी हम जल्दी से अपना सामान पैक करने लगे जैसे ही ट्राम में धमाका हुआ एक अंग्रेज़ सज्जन जो अभी अभी बस नींद से जगा हुआ था स्टेशन के नाम को पढ़ने के प्रयास में एक प्रथम श्रेणी की गाड़ी से बाहर देख रहा था जैसे ही उसने हमारे साथ ही यात्री की नज़र पकड़ी वह रोया हलो और उसे अपने डिब्बे में ले गया जब हम दूसरी श्रेणी की गाड़ी में चढ़े तो हमें यह पता लगाने का कोई मौका नहीं मिला कि वह आदमी कौन था और न ही उसकी कहानी का अंत क्या था मैंने कहा आदमी ने हमें मूर्खों के लिए लिया और हमें मजे से बाहर कर दिया कहानी शुरू से अंत तक शुद्ध रचना है इसके बाद की चर्चा मेरे थियोसफिस्ट किन् और मेरे बीच आजीवन टूटने में समाप्त हो गई कहानी का अंत धन्यवाद